दोस्तों आपको क्राउम ब्राउजर पर जाकर टाइप करना होगा बिजली बिल चेक। जैसे ही आप सभी लोग अपने क्रोम ब्राउजर पर बिजली बिल चेक डालकर सर्च करेंगे तो आप सभी लोगों के सामने UPPCL की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग अभी देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस मेन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का लोगो दिखाई देगा, जहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा पे बिल होम। इसमें सारी डिटेल आपको फ्लिप करनी होगी। फर्स्ट स्टेप आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा, जो भी आपका ज़िला लगता हो यहाँ से आप अपने ज़िले को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप पे हम पहुँच जाएंगे दक्षांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो अगर हमारे पास अकाउंट नंबर है तो हम अकाउंट नंबर के थ्रू देख सकते हैं, अगर हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं है तो हम डालेंगे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वैसे दोस्तों हम बताएंगे कि अकाउंट नंबर कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो में बने रहिए, पूरा जानिए अपना अकाउंट नंबर बिजली बिल का कैसे निकालते हैं। तो मोबाइल नंबर डालकर जैसे कैप्चा OTP फ्लिप करने के बाद कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, जहां आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी, अकाउंट नंबर क्या है, किसके नाम कनेक्शन है, किस डेट को हुआ था और कितना बिल अभी तक हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे पे बिल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पर ओपन होंगे, जहां लिखा होगा कृपया आगे बढ़ने के लिए अपनी नंबर और अकाउंट नंबर नाम ईमेल आईडी की पुष्टि करें। वो पहले से फ्लिप होगा तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फिर आगे सबमिट पे क्लिक करना है। ईमेल डालनी है तो आप डाल दीजिए अपनी। तो दोस्तों आप जब इस पेज को आगे लेकर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पेज खुलेगा जो दिखाई दे रहा है पेमेंट, जहां आपका नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, आप किसके माध्यम से अपना पे करना चाहते हैं। तो दोस्तों फिर आपको आगे ऑप्शन दिखाई देगा नीचे सबमिट का, तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलिड कैश कार्ड या QR कोड। तो दोस्तों हम सभी लोग सोचते हैं आज मोबाइल के इस क्रेच के ज़माने में हम सब लोग ये सोचते हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन पे पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फ़ोन पे पर जैसे क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा मैक पेमेंट। तो दोस्तों मैक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा फिर आप लोगों को क्या करना है, प्रोसेस विद पेमेंट। जैसे ही प्रोसेस विद पेमेंट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी QR कोड आएगा। जैसे ही आप लोगों के सामने QR कोड आएगा आप उसको बड़ी आसानी पूर्वक से अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करके अपने बिजली बिल का बड़ी आसानी पूर्वक भुगतान कर सकते हैं। देखना अभी नेट थोड़ा स्लो है। जैसे हम प्रोसेस विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए QR कोड आ गया दोस्तों। तो इसके माध्यम से अब आप अपने फ़ोन का स्कैनर खोल करके या पेटीएम का स्कैनर या गूगल पे का स्कैनर खोल करके यहाँ से बड़े आसानी पूर्वक पे कर सकते हैं बिजली बिल और अपना जमा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।